हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत ब्लॉक संसाधन अधिकारी के पद पर जो वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अंतिम तिथि 30 जुलाई है। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन करने के, बिल्कुल आवेदन करिएगा। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें आयु, योग्यता क्या कही गई है, सैलरी क्या मिलेगी, वो पूरी बात आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाई भी थी। अभी बहुत सारे कैंडिडेट को जो है इसमें समस्या आ रही है कि कौन कौन से जिले के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म जो है कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, कैसे फिल करेंगे और कैसे आप लोगों को भेजना है, ऑफलाइन भेजना है या ऑनलाइन भेजना है, पूरा प्रोसेस जो है जानेंगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। इसमें केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा यदि है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। महिला पुरुष सभी जो है इसमें योग्य हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे jaipur.rajasthan.government.in, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप लोगों को व्यू अटैचमेंट नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। लिंक आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 ही दिन बाकी हैं यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक EGS जयपुर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, 11 जुलाई को एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था। वीडियो मैंने बना दिया था पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को क्योंकि वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। सेवाओं के लिए मुख्य शर्तें इसमें लिखी गई, पद का नाम दोबारा से बता देती हूँ, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति है। और इसमें जितने भी जिले हैं इनको आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या 100 है। सैलरी इसमें क्या रहेगी, तो 15,000 से लेकर 20,000 तक जो है आपकी सैलरी इसमें रहेगी। 500 रुपीज़ तो यहाँ पर फिक्स है कि प्रति व्यक्ति प्रति दिवस रहेगा, ठीक है। बाकी सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार में सैलरी होगी। केवल ग्रेजुएशन चाहिए, आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी किया है, ग्रेजुएशन चाहिए। और साथ में कोई भी कंप्यूटर का आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है या RSCIT है आपके पास, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने भी जो है मंथ का है आपके पास या ईयर का है आपके पास, तो सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी महिला पुरुष। किसी भी जिले के आप कैंडिडेट हैं, आप लोगों को जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है, आवेदन पत्र आप लोगों को यहीं से डाउनलोड करना है और फिर आप लोगों को ऑनलाइन ही भेजना होगा। कैसे भेजना है अभी बता देंगे। 21 से 64 वर्ष इसमें आयु सीमा है, लास्ट डेट 30 जुलाई 2024 है, 3 दिन शेष हैं। केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन लिए जाएंगे। आपको क्या करना है, लिंक आप लोगों को शेयर किया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ये नोटिफिकेशन ओपन करेंगे और सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे आप लोगों को फॉर्म मिलेगा, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप, इसे आप लोगों को डाउनलोड करके फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अपने जो है डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। साथ में एक और चीज़ आप लोगों को इसमें लगानी है, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटो प्रति। आवेदन शुल्क आपका जो है इसमें 100 रुपीज़ है, जर्नल OBC EWS का, बाकी SC ST अति पिछड़ा वर्ग इसमें कोई फीस नहीं होगी। अभी आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी गई है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी कितनी छूट दी गई है ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग जो है आवेदन शुल्क को 100 रुपये लगा दें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि इनको जो है कितनी छूट दी गई है। ऐसे में आपके पास 3 ही दिन शेष हैं, तो 100 रुपये जो है आप लोग बनवाएंगे यहाँ पर। SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा की, और ये जो है अकाउंट नंबर है जो कि डायरेक्टर SSAAT के नाम से आपको जमा करवाना है, ठीक है। और इस 100 रुपये आप जमा करवाएंगे तो इसकी फोटोकॉपी आपको जो है अपने आवेदन पत्र के साथ में अटैच करनी है। ध्यान रखना है, आवेदन पत्र के साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी, साथ में आवेदन शुल्क की फोटोकॉपी आपको ईमेल करनी है, ठीक है। ईमेल करनी है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर है, BRP
जेप कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट एट द रेट gmail.com। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र, जितने भी आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सभी जो है आपको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। और ध्यान रखना है 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए PDF फाइल। कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपने गलत सूचना फिल की है, अपूर्ण आवेदन के सुधार के लिए पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा। अभी कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं है फिलहाल। यहाँ लिखा है आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य होगा। फिलहाल जो है कोई एग्जाम नहीं है, अगर परीक्षा होती है तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, बाकी अभी नहीं है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। तो यहीं से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट डेट 30 जुलाई है, रात 12 बजे तक जो है आप लोग, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है jaipur.rajasthan.government.in, ये ईमेल एड्रेस है, दोबारा से यहाँ पर लिख दिया गया है। इस पर आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट और 100 रुपये का शुल्क जो है उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को बता दिया है। इस चैनल पर आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वैकेंसी से रिलेटेड, सभी के सभी जो है बिल्कुल सही और सटीक होती है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।